पॉइंट की एक बहुत ही फेमस एंकर है, रिपोर्टर है, आप देखते रहते हो इनको सोशल मीडिया पर, नादिया इनका नाम है, काफ़ी फेमस है, स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो आए नादिया की तरफ चलते हैं। नादिया, पहले सबसे पहले ये बताएं, हम लोगों को कवर करते हैं ये, ठीक है, हमें कोई कवर नहीं करता। मैंने सोचा कि यार मैं उन लोगों को कवर करूं जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, जिनका जर्नलिज्म से किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे व्लॉगर हो, वो हमारा साथी तो है। अब ये बताएं, आपने जर्नलिज्म कब और कहाँ से कैसे स्टार्ट किया? जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले डीआई खान से। अच्छा। मैं एक्चुअली डीआई खान से हूँ और मैंने वहीं से स्टार्ट किया, वहीं से सीखा। उससे पहले मैं एक आरजे हूँ, मैंने एफएम किया 3 साल, मैंने एक्टिंग की पीटीवी होम के साथ, और उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आई। मैंने जियो से स्टार्ट लिया था एज इंटर्नी, ठीक है, रिपोर्टर। उसके बाद मैं डीआई खान से लाहौर आई और लाहौर मैंने 7 न्यूज़ ज्वाइन किया। 7 के बाद मैंने बिजनेस प्लस ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद मैं उर्दू पॉइंट में आई और उर्दू पॉइंट में मैंने बस इरादा किया कि अब मैंने कहीं और नहीं जाना। कामयाबी कब मिली? जब आपने समझा कि यार मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ लोग जानते हैं, जब लोगों को पता लग गया कि नादिया, ये नादिया है, ये बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करती है, इसका शो बहुत अच्छा है। मैंने जब एफएम स्टार्ट किया था, मुझे तब से ही लोग जानने लग गए थे। मैं भी जानता था, बाय फेस मुझे पता नहीं कोई जानता था कि नहीं जानता, बाय वॉइस मुझे जानते थे लोग, बाय नेम मुझे जानते थे। जब मैं लाहौर में आई, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन मैं हैरान हुई कि मेरे फैंस यहाँ पे भी थे, मेरे लिसनर्स थे यहाँ पे, जिन्होंने मुझे सुना था और वो शॉक्ड हो गए थे कि आप वो हैं जिनको हम सुनते थे। ये वो है जिनको आप लोग सुनते थे, आज ही आपके सामने है, तो इनको देख लीजिए। हाँ, पहले बस सिर्फ सुनते थे, अब मैं दिखती भी हूँ। नादिया, नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जर्नलिज्म के, मैस कम्युनिकेशन के, क्या उनको मशवरा देंगी, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हालात तो बहुत ख़राब है। बिल्कुल आना चाहिए, हालात अच्छा। इंसान से होते हैं, इंसान को बनाने पड़ते हैं हालात, आप खुद एक हालात हैं, मतलब कि इंसान खुद एक हालात होता है, जैसा इंसान है वैसे हालात है, आपको लाजमी आना चाहिए। किस चीज़ पर स्टूडेंट फोकस करें, किस चीज़ पर फोकस करें? सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए आपके गोल, आपकी मंजिल। जब अगर आपकी नज़रें आपकी मंजिल पे होंगी तो रास्ते में जितनी भी रुकावटें होंगी वो आप हटा सकते हैं बआसानी। अगर तो आपकी नज़र नहीं है मंजिल पे, अगर तो आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर तो आप डबल माइंडेड हैं, तो आप डगमगा जाएं। रिपोर्टिंग में आम तौर पर सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? अगर एज ए फीमेल पूछें तो सबसे फीमेल पूछें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि आप फीमेल, आपको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है बहुत सारी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ फीमेल्स डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, चली जाती हैं, कुछ गलत रास्ते पर चली जाती हैं, शॉर्टकट मारती हैं जल्दी फेमस होने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पीसीबी ने और गवर्नमेंट ने सहाफ़ियों के लिए जो कवरेज के लिए आए हैं उनके लिए इंतजाम किए हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो सहाफ़ी होते हैं ना उनको सोफे दिए जाते हैं, छोटा गोश्त खिलाया जाता है और इनके जूसेस होते हैं और बड़ा कुछ होता है, तो और सोफा दिखाएं पहले जहाँ पे बैठी हुई। तो ये भी बच्चों को बता दें कि इस तरह नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। सहाफ़ी जितना अच्छा लग रहा होता है ना कैमरे पे, उतना ही वो भाग भाग के, उसके मेरे पाँव में दर्द हो रहा है भाग भाग के। अभी मैच स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम है अभी मैच में ख़त्म होना है और आप सोचेंगे जब तक इतना खिलाड़ी नहीं ग्राउंड में भागता जितना हम लोग भागते हैं। चले नादिया, विश यू बेस्ट लक और थैंक यू आपने मुझे टाइम दिया। वैसे टाइम देती नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से बना लेकिन मान गई, और आइंदा मैं इनको जहाँ पे ये कवरेज करेंगे और मैंने इनको पकड़ लिया तो मैं उनसे उस टॉपिक के मुताबिक बात करूँगा और इनका एक प्रॉपर इंटरव्यू भी होगा जब ये मुझे टाइम देंगी आप। बिल्कुल, ये मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।